राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी, सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन की धनु वालों के लिए। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का धनु पर क्या असर पड़ेगा, धनु लगन और धनु राशि दोनों से गोचर को देखना चाहिए। गोचर दोस्तों क्या है, गोचर आज की स्थिति है कि आज जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, ये आकाश मंडल में किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है वो फिक्स होती है, स्थाई, आपके पूरे जीवन के लिए। और जन्म कुंडली से जो आपके संकेत मिलते हैं आपकी जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में, जैसे कि आपकी शिक्षा का पक्ष, संतान का पक्ष, विवाह, कैरियर, एनीथिंग, उन घटनाओं के घटने के समय को महादशा और गोचर के संयुक्त अध्ययन से निकाला जाता है, आंका जाता है। गोचर की इसलिए इम्पोर्टेंस है, गोचर में भी जो गुरु शनि राहु केतु का जो ट्रांजिट रहता है, गोचर ट्रांजिट राशि परिवर्तन सब एक ही चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि गुरु लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं, शनि लगभग 2.5 साल और राहु केतु 18 महीने, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये चारों ग्रह एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका जो गोचर रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इन चारों में भी गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत देता है किसी घटना के घटने के बारे में। तो शनि ऑलरेडी धनु में ही चल रहे हैं, आप ही की राशि में, धनु राशि में ही चल रहे हैं जनवरी 2017 से। आने वाली 11 अक्टूबर 2018 को गुरु ट्रांजिट करेंगे तुला से वृश्चिक राशि में, तो और 5 नवंबर 2019 तक फिर ये वृश्चिक में ही संचरण करेंगे लगभग 13 महीने। तो तुला में आने के बाद, तुला से निकलने के बाद वृश्चिक में गुरु की स्थिति मजबूत होने वाली है, क्योंकि तुला इनकी शत्रु शुक्र की राशि है, उसमें इनकी स्थिति कमज़ोर थी। वृश्चिक मंगल की राशि, परम मित्र की राशि, तो गुरु की स्थिति मजबूत होगी। गोचर के फल में आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो गुरु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है वो अगर मजबूत है तो जो गोचर का फल है वो और प्रभावी हो जाएगा, और अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर है तो गोचर का फल ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में महादशा या अंतरदशा में गुरु चल रहे हैं तब भी ये गोचर का फल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अगर आपका लगन और चंद्रमा दोनों से इसको देखा जाना चाहिए, दोनों से देखते हैं गोचर को, लगन से भी, लगन आपकी फिजिकल बॉडी है और चंद्रमा आपका मन है, यानी मून साइन, आइदर असेंडेंट और फॉर मून साइन, दोनों से देखा जाना चाहिए। जिनका लगन में ही चंद्रमा होता है यानी कि सेम असेंडेंट सेम मून साइन, उनके लिए गोचर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब गुरु दोस्तों नैसर्गिक रूप से, नेचुरली आपके ज्ञान, आपकी धार्मिकता, आपका संस्कार, आपका आचरण, मैरिटल लाइफ हार्मोनी यानी वैवाहिक जीवन की मधुरता, आपका संतान पक्ष, आपकी शिक्षा का पक्ष, आपको कैसे गुरु मिलने वाले हैं, कैसे टीचर सिखाने वाले, कैसी गाइडेंस ज़िंदगी में आपको मिलने वाली है, इन सब के नैसर्गिक कारक होते हैं। अब ऐसे गुरु जब ये ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक राशि में आने वाली 11 अक्टूबर 2018 को, तो धनु वालों के लिए ये कैसा फल देंगे उसकी चर्चा मैं करूँगा। धनु लगन और धनु राशि दोनों से ही इसको देखा जाना चाहिए। धनु दोस्तों जब आपके पहले भाव में 9 नंबर लिखा है होता है यहाँ पर, तो ये धनु वालों की कुंडली होती है। धनु वालों के लिए गुरु पहले और चौथे, फर्स्ट एंड फोर्थ, दो भावों के स्वामी हैं, लग्नेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं। अब ये 12वें भाव में गोचर करेंगे, मध्य चरण की आपको 7.5 भी चल रही है, शनि धनु में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके जन्म का जो चंद्रमा है उसके ऊपर से शनि गुजर रहे हैं इस वक्त, और राहु आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब गुरु आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं। मुश्किल समय रहेगा धनु वालों के लिए, परेशानी वाला समय रहेगा इस वक्त, खर्च आपके बेताशा बढ़ सकते हैं। गुरु की दोस्तों 5वीं स्वग्रही दृष्टि आपके 4th हाउस पर आएगी जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर आएगी जो कि रोग, ऋण, शत्रुओं, दुर्घटनाओं, सडन इवेंट्स का रहता है, और 7वीं दृष्टि जो कि उच्च की दृष्टि है वो आपके 8ष्टम भाव पर आएगी जहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो इस वक्त घर या वाहन के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये गुरु आपको दिलवा देंगे, कर्जे दिलवाने में आपको ये सहायता करेंगे, लोन आपको मिल जाएगा। अगर ज़मीन जायदाद का इस वक्त आपको कोई विवाद चल रहा है मकान से संबंधित, तो विवाद वो इस वक्त सुलझ सकता है। माता के
स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा इस गुरु का, माता जी का जो स्वास्थ्य है, और माता से आपकी नज़दीकियाँ इस वक्त बढ़ने वाली हैं। इस वक्त आप अपना घर भी, मतलब कि नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, लेकिन लोन से, कर्जे से, कर्जे का उसमें योगदान रहेगा, तो आप अपना घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, नया घर आप ले सकते हैं। आपके खुद के स्वास्थ्य पर भी इस वक्त खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि रोग भाव पर है और गुरु खुद 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। पेट और पाचन तंत्र का इस वक्त आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त आपको शत्रु भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गुप्त शत्रु हावी रहेंगे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आप साइन करते हैं तो आप उसका विशेष ध्यान रखिएगा। टैक्स वगैरह अपना टाइम पर भर दीजिएगा। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कानूनी अड़चनों में भी ये गुरु आपको फंसवा सकते हैं। इस वक्त ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि व्यावसायिक जो आपकी बाधा है वो भी बढ़ सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पार्टनरशिप हाउस पर है और 10वीं दृष्टि आपके करियर हाउस पर है, तो व्यावसायिक बाधा भी आपकी बढ़ सकती है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस में भी आप फंस सकते हैं। जहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 8वें भाव पर, वहाँ पर गुरु की उच्च दृष्टि आ रही है, तो इस वक्त आपका गुप्त विद्या यानी कि अकुल्टिज्म में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं तो गलत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने से बचिएगा, और अज्ञात भय इस वक्त आपका बढ़ सकता है राहु की अष्टम भाव की पोजीशन की वजह से। वसीयत और इंश्योरेंस का अगर आपका कोई विवाद है, अगर वो उलझा हुआ है, तो वो इस वक्त सुलझ सकता है, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, तो वहाँ आपको फायदा होगा। अब गुरु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं जो कि विदेश का भाव है, और राहु की 5वीं दृष्टि भी उस 12वें भाव पर जा रही है, और शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो विदेश सेटलमेंट का यह सुंदर योग है। विदेश से संबंधित अगर आपकी कोई परेशानी है, वीजा से संबंधित कोई परेशानी है, तो वो इस वक्त सुलझ सकती है। विदेश के लिए ये शुभ समय है। कुल मिलाकर जो ये 13 महीने का जो ये ट्रांजिट रहेगा, गुरु का गोचर रहेगा, इसमें सावधानी आपको ज़्यादा रखनी चाहिए, मिनिमम रिस्क लेकर चलना चाहिए। रिस्क आप ना ही ले तो अच्छा है। क्या करना चाहिए कि अगर आपको कोई अशुभ प्रभाव मिला है और साथ में आपकी कोई अगर अशुभ दशा भी चल रही है, जैसे मध्य चरण की 7.5 ही चल रही है। दोस्तों, आपको हर रोज़ श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर उन्हें पीला भोग लगाइए, लड्डू अर्पण कीजिए, चाहे बेसन की बर्फी अर्पण कीजिए, और इसके बाद एक बार नारायण कवच का आपको पाठ करना चाहिए। नारायण कवच श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद से लिया हुआ अद्भुत स्रोत है ये। इसको आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। फिर किसी राशि के साथ दोबारा मिलूँगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।